53 मिनट और आज डेट है 12 मार्च 2020। राइट, आज का जो वीडियो है वो खासतौर पे निफ्टी के पर्पज से है कि निफ्टी का आज वे क्या हो सकता है, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं दे पाया था। राइट, तो यहाँ पे आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको निफ्टी एक मेरे हिसाब से 10,000 का रेंज टच कर देना चाहिए। ठीक है, वे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए, अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे करंटली स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगभग 3% की गिराव दर्ज की गई है और जो है 10,129। ठीक है, सिनारियो दो क्रिएट हो सकते हैं, या तो मार्केट राइट या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होएगा राइट, और या फिर जो है वो प्रॉपर वे में ओपन होएगा, इतना डाउनफॉल दिखाएगा। लेकिन जहां तक अप्रोक्सीमेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो डाउनफॉल ही दिख रहा है। राइट, डाउनफॉल ही दिख रहा है। 10,000 का रेंज टच करना चाहिए आज मार्केट को, मेरे हिसाब से 10,000 का रेंज जो है आज होना ही चाहिए। ठीक है, आज इतना कर ही देगा। क्यों? क्योंकि डो में आप देख सकते हैं 2.41 जो है आज जो है लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं आप 22,987 हो गया और अभी 3 दिन पहले 25,000 था, कल 23,000 था और आज 22,000 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, 22,900 पे। ठीक है ना, तो लगभग 588 पॉइंट जो है डो का बाजार जो है ना चाइना का भी गिरा हुआ है लगभग 1.5% के आसपास। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे मार्केट गिरा हुआ है। राइट, तो आज का आप देख सकते हैं अभी की जो मार्केट है वो लगभग 344 पॉइंट का गिरावट अभी तक जो है ना इसमें डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है, तो आज एक अच्छा खासा जो है ना डाउनफॉल दिख सकता है, हो सकता है मे बी अगर मार्केट गैप डाउन जो कि इतना पॉइंट गिरा है तो डेफिनेटली वो गैप डाउन ओपन होएगा ही होएगा। ठीक है, लेकिन आज का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा ज्यादा ही रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड करें। ठीक है, और एक मोमेंटम को पकड़ने की मतलब वे की पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं 10,104 पे जो है 1416 पे ट्रेड करता हुआ। ठीक है, जो क्लोजिंग हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना, जो क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स वो हुई है ठीक है 10,458 पे, तो डेफिनेटली एक डाउनफॉल हमें दिख सकता है इस सिनेरियो में। ठीक है, तो इसको यू नो ये जो है 10,000 लगभग 10,200 समथिंग का एक रेंज मुझे दिख सकता है कि 10,200 पे ओपनिंग हो सकती है, 10,200-300 पे। ठीक है ना, इतना तो हो ही सकता है, लेकिन इतना जान के रखिए कि मार्केट आज चुकी आज एक्सपायरी भी है। ठीक है, स्टॉक पर तो यहाँ पे मार्केट आज गिरता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, मार्केट की सेंटिमेंट की बात करें कि क्या हो सकता है मार्केट, तो यहाँ पे न्यूट्रल की एक जो है ठीक है जो सेंटिमेंट्स है इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक ठीक है अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है वो स्ट्रॉन्ग सेल की दिख रही है, टेक्निकली सेल की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग सेल की। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल का ठीक है investing.com पे आप जाएंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा। राइट, और मार्केट आप देख सकते हैं कि ये मुझे नहीं लगता कि आप कोई बढ़त बनाने वाली, इतनी जल्दी तो ये कवर अप नहीं कर सकती है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और इसको जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये 10,000 का लेवल आज टच कर जाएगा। राइट, क्योंकि सभी मार्केट में ग्लोबल लेवल पे ही गिरावट दर्ज की जा रही है। ठीक है, बिकवाली हो रही है, कोरोना का चक्कर है, ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे बिकवाली भी हो रही है, इस बात को ध्यान में रखें अपने। ठीक है, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है स्पेशल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे है। बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं अभी जो है बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा गिरावट नहीं की गई है दर्ज। ठीक है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग हुई है ठीक है, मैं कल का क्लोजिंग पहले दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स वो 32,000 निफ्टी बैंक ठीक है 26,487.80। ठीक है ना, 26,487 राइट है। एंड बैंक निफ्टी आप फ्यूचर्स में देखें फ्रेंड्स, तो एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे नेट की थोड़ी सी इशू है आज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 487 था, 26,487 और 459 ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो अगर निफ्टी ये गिरती है ठीक है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का रेंज लगभग आता हुआ। राइट, पूरे के पूरे लगभग जो है 358 पॉइंट्स गिरा और यहाँ पे ही 10,000 का रेंज, तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स की काफी अच्छा डाउनफॉल दिखेगा। तो आज का जो है सेलिंग प्रोस्पेक्टिव आप रखिए ज्यादातर ठीक है स्टॉकों में। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला टेक्निकली जो है ये आज का जो है वो टेक्निकली जो है स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, मार्केट के भाव को मार्केट के वे को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ता हुआ पूरे 4% की गिरावट जो है आज एक अच्छा डाउनफॉल दिखेगा, गैप डाउन खुलेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर से इतना गिरेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
मेरे हिसाब से गैप डाउन खुलेगा, और जैसे ये सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है गैप डाउन खुलने के बाद, तो डाउनफॉल आ सकता है इसमें, ठीक है। 10,000 का लेवल इसको टच करना ही होगा जैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, 5 मिनट का वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो आपके लिए बनाया गया है, जिससे कि जो लोग फ्रेशर है, जो लोग बिगनर्स है, उनको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली आज मार्केट का व्यू क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एक बिग प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट के हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है 10,067 आ गया, ठीक है। अगर मैं 2 मिनट और रुकूं तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ 10,050 का रेंज अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, चलिए, थैंक यू।